तो हेलो गाइस, देखो रितिका कितनी मोटी और छोटी हो चुकी है। तो गाइस ये हमारी आई है डुड्डू। हेलो कर दो डुड्डू। इसका नाम तनिष्का है, हम उसको प्यार से कहते हैं डुड्डू। ये हमारी बुआ की बेटे की बेटी है, ठीक है। ये बेचारी ऊपर का दीदी है क्योंकि हाइट बड़ी है ना, छोटी है छोटी है। तो ये हमारी रितिका दीदी है, छोटी रितिका दीदी। रितिका ही बचपन में ऐसी थी और उससे छोटी टिया की तरह थी, मतलब ये सब गोल मटोल वैरायटीज है रितिका की। और रितिका की अभी क्लास चल रही है और हमारे पापा जी आ रखे हैं। इसने कहा चिंटू भैया के पास जाऊंगी। और एक और चीज बताऊँ, मेरा नाम चिंटू है, मेरे को लोग प्यार से चिंटू कहते हैं। और मेरा नाम चिराग भी है, जैसे उसका नाम डुड्डू है, प्यार से डुड्डू कहते हैं। और उसका नाम है क्या नाम है, तनिष्का। तो फिर अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या मस्ती करते हैं। अभी हम तनिष्का उसको भी लाने वाले, किसको, टिया को भी लाने वाले। मैं तो भूल गया, उसको याद है। हम टिया को भी अभी लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारी टिया जगी हुई है, देखो नहीं लेके जा रहा, जब आए वो ना ना ना, अब कहाँ जाएगी, चल चल चल। तो गाइस अभी हमारी टिया हो रही है तैयार, वो देखोगे, देख लो यार। तेरी यार, तू तो दिन दहाड़े बेइज्जती कर रही है। ये देखो, ये देखो 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 अपनी डड्डू। और ये मैचिंग वैचिंग है ना। अब देखो ये है 2 साल की रितिका दीदी। कितने साल का बच्चे तुम? हाँ 6 ईयर की रितिका ही। और अपनी 16 साल की रितिका ही, 16 साल की है। 17 वरना मारे को मारेगी पटक पटक के। 17 साल की है वो रितिका ही, आपको दिखेगी भी पढ़ाई कर रही है। उस दिन तो दिखा देता था, अब दिखाऊंगा तो और भी और मारेगी मेरे को। अंदर कमरे में बंद कर रखती है अपने आप को, लैपटॉप पढ़ाई करती रहती है अपना। अब हम क्या करें, है ना भाई? ओए मोटू, वो तो भाग कर चली गई। अब हम कुछ करते हैं। डड्डू और टिया, ओए मोटी, इसको देखो देखो, इसको इधर आ इधर आ इधर आ, जग्गो लेके टिया चिन्नी कराओ, निन्नी कराओ, चलो निन्नी कराओ, जग्गो को निन्नी करा दो, निन्नी करा दे मोटी, निन्नी करा दे, निन्नी करा, निन्नी करा, आँख में मार दिया। शिन्नी इसकी भाषा में कहते हैं, शिन्नी उत्तराखंड की भाषा में। तब भी नहीं करा रही है, फिर ड्रामे कर रही है, हंसे जा रही है, देखो हंसे जा रही है। किसे करने दिया? ए जंगली है, जंगली आई किसे करने, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। इसने मेरा बहुत तेज मार दिया आँख में, ये देखो। अब डुड्डू को देने आ गई, डुड्डू को देने आ गई बंदर। अब इसका नाम है जग्गू है। और अब इसकी कैप जो है हम बना देते हैं टिया को। इधर आ इधर आ, ये देखो नहीं पहनेगी, इधर आ पहना उसे जबरदस्ती लटकी। डुड्डू तू पकड़ कैमरे को, पकड़ ले तू, हाँ देखो अब इसको घुमाते हैं, जुलम ना कर रहे,
देखो सब बीमार कहाँ से आता है इनके पास पकड़ लिया टिया को टिया को पकड़ लिया बहुत अफला तू नहीं है ये देख लो नहीं दे रहा जा नहीं दे रहा गुस्सा देख रहे हो नहीं दे रहा दो अभी आपको देखते हैं इधर आ जा ले 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 नहीं दे रहा चल चल भाग मम्मी के पास इधर आ ले 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 चल निकलती हूँ ना आ दूरी बार बार चल ले ले कैसे रोने का बहाना करता है और अब देखो दो मिनट में चुप ऐसे तो हमारे भी रोने की निंजा टेक्निक नहीं है रोने की निंजा टेक्निक कहते हैं डुड्डू पहले ये भी यही करती थी ये भी सेम ऐसी गोल मतलब भविष्य भविष्य ये रितका ही की है रितका ही टिया जैसी थी बचपन में बड़े होने के बाद ऐसी और बड़े होने के बाद ऐसी तो गाइस इस मोटी ने ये मैच कैसे निकाल लिया टिश्यू पेपर अब इसकी लगेगी पिटाई वो आप देखो छोड़ रही ना छोड़ रही मम्मी के पास जा रही है अब इसे दोबारा लिया तो और पिटेगी चुक दीगा देखते हैं छूती नहीं छूती निकाल भी दिया उसने एक तो देखो ले मत लियो ले मत लियो देखो मैंने तो कुछ मारा भी नहीं ये है इस मोटी के ड्रामे जो चीज़ नहीं मिलती उसको लेके रहती है ना तेरे भी थे और वंस मोर चीज मेरे बालों पे फोकस मत देना बिकॉज़ ये हमेशा अब आई उड़ी रहती है इन बालों ले लिया मैं अपनी बातों की बात कर रहा हूँ तो लेके पूरा डब्बा पिचका दिया कपड़े देखो उसके नशेड़ी बना दिए से सब ने पीकर अपने कपड़े फाड़ते उसने तो बिना पिए फाड़ दिए ये आपको चीजें देते हैं आ जाओ खाते पीते हैं आ जाओ चीजें लो तो गाइस अभी आश दीदी आ गई है स्कूल से और मेरे भी अब मंडे से स्कूल खोल रहे हैं बहुत बुरा हाल है भैया स्कूल पर अच्छा भी है घर में भी यार स्कूल की बड़ी याद आ रही थी तो गाइस इस मोटी ने खोज खाज के अपना खिलौना निकाल लिया हमारे घर से ये देखो तेरी ऐसी की तैसी दे 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 बे चलो मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ फिर देखना सो गाइस डुड्डू पहली ही मतलब तनिष्का पहले अपने घर चली गई थी और मैं भी अपने बालकनी में खड़ा हूँ बारिश हो रही है बारिश ये देखो दिख रहा है वैसे मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा इतना क्लियर रात इतनी हो रही बट झरना हो रहा सड़कें अपनी गीली हो चुकी हैं पानी पानी हो चुका है सारा प्लान चौपट हमारा जाने का था मन कहीं जाने का घूमने का रित्ते की बुक वगैरह लानी थी तो जाना था बट आप जा ही नहीं पाएंगे हो गया हमारा प्रोग्राम और कुछ नहीं है बारिश में ना कोई जाने देगा ना हम जा पाएंगे तो अब देखते हैं क्या होता है आगे बाल सेट कर रहा हूँ सेट ही नहीं होते आगे घास हो चुकी है बट तब भी सेट नहीं होते क्या करें चलो अब देखते हैं
तो गाइस पहले मैं एक चीज़ कहूँ, रख के आ चुकी है एंड पीछे से बच्चों की आवाज़ आएगी बिकॉज वो स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना एंड हाँ गाइस अब देखो हम लोग बाहर जाने वाले थे, मुझे बुक्स भी लेकर आनी थी तो वो सारा प्लान अब खराब हो चुका है क्योंकि मेकअप भी खराब हो चुकी है पूरा मेकअप करके तैयार हो। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मेकअप मेकअप तो नहीं, इतना कहाँ करते हैं, सबको पता है कभी कभी टाइम मिलता है सबको पता है जब बाहर जाते हैं। और नहीं खुद तो ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 बार बालों को यू 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 ये तो करते ही रहते हैं। अभी वीडियो में जितनी बार जब भी देखो 1000 बार तो उसके बाल यू 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 करता रहेगा। डोंट टच माय हेयर, ओ माय गॉड, वरना तो मैं दे दूंगा डियर। डियर से आया हम एक दिन ना वो रखेंगे क्या कहते हैं बहुत खेला था क्लास में, एक दिन रखेंगे उसमें अपने थोड़े दोस्त दोस्त बुला लेंगे सबके सब बैठे इधर खेले थे तो आपको दिखाएंगे क्या क्या देते हैं और फिर उन सब के ट्रुथ भी पता चलने वाले हैं। नीचे से होता है डॉग पॉटी खेला था, ऐसे डेयर रखेंगे ना समझ गए ना, वैसे डेयर रख देंगे। हाँ इसकी बातें यही जाने पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता है। तो हम लोग बुक लेने जा रहे थे तो अब हमारा पॉकेट फुल हो चुका है बेइज्जती विद पनीर टिक्का, तो जब भी हम जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। और तेज से हो रही है बारिश, मैंने आपको दिखा दिया था, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बारिश को एंजॉय करिए। दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा और बच्चे भी पढ़ रहे हैं बारिश एंड अब आगे जो भी होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। यस मिलते हैं थोड़ी देर बाद कुछ। सो गाइज अब रात हो चुकी है और मैंने खाना खा लिया है, आज खाना भी बना था दाल चावल, हाँ चावल को फ्राई कर दिए थे और दाल से रोटी खा ली थी, अब याद आया एक घंटा तो हो गया खाना खाया हुआ, नाटक दिख रहा था। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय करता हूँ, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।